नमस्कार, मैं हूं मित्र गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे स्पीड टेस्ट Redmi Note 5 Pro के 4GB और 6GB रैम वेरिएंट के बीच में, क्योंकि काफी सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि उन्हें Redmi Note 5 Pro का 6GB रैम वेरिएंट लेना चाहिए या फिर 4GB। तो चलिए आज आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाते हैं कि कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है इन दोनों ही फोन्स के परफॉर्मेंस में। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोनों ही फोन्स के बेंचमार्क स्कोर। 6GB रैम वाले वेरिएंट को मिले हैं 100,000 से ऊपर के स्कोर, जबकि 4GB रैम वाले वेरिएंट को मिले हैं 95,000 स्कोर्स। तो यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर में तो हमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो चलिए करते हैं स्पीड टेस्ट और देखते हैं कि वहां पे भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है या फिर नहीं। फर्स्ट राउंड में हम करते हैं दोनों ही फोन में सेम टाइम पे एप्लीकेशन को ओपन। तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट राउंड में हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इनकी स्पीड में। तो चलिए चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ और वहां पे देखते हैं कि स्पीड के साथ रैम मैनेजमेंट में हमें कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही फोन के फाइनल स्कोर डिफरेंस हमको देखने को मिला है 12 सेकंड्स का। 6GB रैम ने कंप्लीट टाइम लिया 1 मिनट 45 सेकंड का, जबकि 4GB रैम को टाइम लगा 1 मिनट 57 सेकंड का। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिला रैम की वजह से इनकी स्पीड में। तो उम्मीद है आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इन दोनों ही फोन के स्पीड में। और अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं प्राइस वाइज, तो क्या आपको 2GB रैम के लिए 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने चाहिए? तो अभी तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन इन फ्यूचर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6GB रैम पे जाएं, अगर आप बजट को 3,000 रुपये और एक्सटेंड कर सकते हैं।
तो यही था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे के ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।